हम इस वक्त जो है वो खतर रेजूद से होते हुए इस वक्त हम आ गए हैं यहाँ। लोकल नेम जो है वो शर है, इसमें है यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे तकरीबन स्नोफॉल्स आ जाते हैं, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो स्नोफॉल्स ऊपर से आ जाते हैं वहाँ पे ग्लेशियर से, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे व्यू पॉइंट है। बहुत ही अच्छा सा नज़ारा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस खलतर वैली की खास बात यह है, यहाँ पे हर जगह में हर कदम कदम पे चश्मे जो है वो नज़र आते हैं, चश्मे फूटते हैं। इसी तरह आप बिल्कुल मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये हिस पर ग्लेशियर जो है उसका हरम उस साइड वाला अपना व्यू है। यहाँ पे इसके बैक साइड में बिल्कुल हिस पर ग्लेशियर है, और इस साइड से जो है वो हरम उस साइड से जो हिस पर ग्लेशियर है वो यहाँ पर नज़र आता है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है वो अट्रैक्टिव प्लेस है। इसी तरह अच्छा ऊपर हमारे जो पूरे पास्चर एरिया है, जो पूरा ऊपर जो एरिया है, इसमें सारे जो है वो यॉक्स यहाँ पे हैं। इस वैली की खास बात और ये भी है कि यहाँ पे यॉक्स जो है वो वाफर मकदार में पाए जाते हैं। तकरीबन यहाँ के लोगों से हमें पता चला है कि तकरीबन 2 से 3 हज़ार जो है वो इस वैली के अंदर यॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो तकरीबन 5-6 महीने पूरे इस पास्चर में अपर एरिया में यहाँ पे रहते हैं। यहाँ के लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी एक एग्रीकल्चर के साथ साथ उनका लाइफ स्टाइल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ के जो यॉक्स हैं उनकी प्रोडक्शन को मज़ीद अपना बढ़ाने के लिए जो है वो इकदाम करें। नाज़रीन आगे चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको खलतारो वैली के खूबसूरत और हसीन मनाजिर को हम आपको दिखाते रहें। आगे चलते हैं, आए हमारे साथ साथ। आगे चलते हैं, इस बस का मूड आइए क्लिक।